2 साल पहले बेटी से पसंद की शादी करने पर लड़की के पिता ने युवक पर तेज धार शस्त्र से हमला कर उसे जख्मी कर दिया था। बचाव में आए जख्मी के भाई पर भी चला दिया गया शस्त्र। दरअसल ये मामला यशोधरा नगर पुलिस ने दर्ज किया था। सोमवार 15 मई को यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में गुलशन नगर कलमना निवासी सलालुद्दीन कामिल परवेज कुरैशी उम्र 27 वर्ष ने शिकायत दर्ज की कि उस पर उसके ममेरे भाई फैजल कुरैशी उम्र 30 वर्ष के साथ ससुर आलम अली अंसारी उम्र 44 वर्ष समेत सिकंदर अंसारी, सुल्तान अंसारी और एक नाबालिग युवक ने तेज धार शस्त्र से जानलेवा हमला किया, वो भी इस बात पर कि शिकायतकर्ता ने आरोपी की बेटी से 2 साल पहले पसंद की शादी की थी। इसी कारणवश आरोपियों ने जान लेने के उद्देश्य से उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों जख्मियों को उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया। वहीं यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में उपरोक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आलम अंसारी और सिकंदर अंसारी को हिरासत में लिया गया है। वहीं तीसरा आरोपी सुल्तान अंसारी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मोहम्मद सलाउद्दीन नाम का एक किस्म है, उसके 4 साल पहले लव मैरिज हुआ था। वो रहने वाला वंदेवी नगर चौक का है और उसका साला जो है एक नाबालिग है 16 साल का, और उसका ससुरा मोहम्मद आलम, ससरे का भाई है सुल्तान आलम और दूसरा एक कप्तान अली। ये चारों ने कल वंदेव नगर चौक में हाथापाई की जख्मी के साथ में, और उतने में जख्मी का मामा का लड़का है वो बीच में आ गया झगड़ा छुड़ाने, उसको भी नाबालिग बच्चे ने एक चाकू से मार दिया और जो जख्मी है सलाउद्दीन उसको भी मार दिया। दोनों की भी तबीयत ठीक है अभी, इसमें कुल मिला के 3 आरोपी अरेस्ट हो चुका है, 1 आरोपी वांटेड है। इनका घरगुती मैटर है, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अभी टोटल 2 आरोपी जो है अभी PCR में है। 19 तारीख तक जो विधि संघर्ष बालक था वो बाल सुधार गृह में भेजा गया। अभी तक जो जानकारी हासिल हो गई तपास में, लव मैरिज तो हो गया था इनके दोनों भी घर वाले के विरोध में हुआ था, लेकिन वो तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया था, वो शांति से रह रहे थे। कल बातचीत हो गई थी पति पत्नी में, जो जख्मी और उसकी मिसेस में, ये बात जो नाबालिग है उसको पता चली, उसने उसके पिताजी को बताया, तो ये सज्जन मिलके उनको जाप पूछने के लिए गए, तो वहाँ पर बातचीत हो गई, झगड़ा हो गया, झगड़ा होते तो इसलिए चाकू लेके नाबालिग ने उसको दोनों को मार दिया, जख्मी हो गए थे, उसको हॉस्पिटल में उसका उपचार किया गया, जो तबीयत उनके ठीक है। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।